नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रविवार रात टाइम सेंटर की 5 इमारत मंजिल गिरी। 2 दिन से चल रहा था टाइम सेंटर तोड़ने का काम। टाइम सेंटर तोड़ते समय टला बड़ा हादसा। टाइम सेंटर गिराने के लिए 2 दिन से 20 मजदूर और 2 बुलडोजर लगे थे। टाइम सेंटर गिराते समय नगर पालिका का 1 बुलडोजर हुआ क्षतिग्रस्त। टाइम सेंटर की दीवार बुलडोजर पर गिरी, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। दीदी, फरुखाबाद में एक बिल्डिंग गिराई गई है, 5 मंजिला बिल्डिंग थी। क्या पूरी इमारत थी, क्या नाम था, किस तरीके से इसको डेमोलाइज किया गया? ये बिल्डिंग टाइम सेंटर नाम से थी और पूरी तरीके से सड़क में बनी हुई थी। हमारी यहाँ पे जो सड़क है वो 13 मीटर से रिकॉर्ड है और मौके पे केवल 4 मीटर थी। इसका लगभग कितने घंटे तक ये पूरा इसका वो चला अभियान? सड़क यहाँ पे बहुत कम थी और चारों तरफ आबादी वाला क्षेत्र था, मार्केट एरिया था, तो मैनुअली बिल्डिंग तोड़ी गई है। इसमें लगभग 80 घंटे लगे। ये शहर का पाउस इलाका था और उसके बाद में इस बिल्डिंग को गिराने में लगभग 72 घंटे लग गए और अभी एक बुलडोजर भी डैमेज हो गया है। ये किस वजह से डैमेज हुआ है यहाँ पे? क्योंकि ये बिल्डिंग का जो मलबा था जैसे गिर गया तो जेसीबी पर आकर गिर गया, तो इससे जेसीबी हमारी डैमेज हुई। कुल मिलाकर सब कुछ सकुशल तरीके से बिल्डिंग ठीक है, स्थिति नियंत्रण में। आप लोगों ने बहुत बहुत सहयोग किया, मैं धन्यवाद करती हूँ मीडिया ने, पूरे अभियान में हमने कितना सहयोग। मैडम, पुलिस व्यवस्था क्या रही? पुलिस यहाँ पर मेरे फोन करने पर गुरुवार साहब ने पुलिस भेजी और बाद में ठीक है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।